क्या कोई अपने मर्डर की मिस्ट्री खुद ही सॉल्व कर सकता है? ये बात अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन विवेक ओबरॉय ये करके दिखाने वाले हैं। कैसे, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। वो प्रोड्यूसर बने हैं और उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म इतिका, अगर मैं कहूँ तो, टीजर पोस्टर लॉन्च किया है और वो सोशल मीडिया पर एकदम वायरल हो गया। और फिल्म के पोस्टर में कैन यू सॉल्व योर ओन मर्डर, मैं आपको दिखाती हूँ जो उन्होंने शेयर किया है, कैन यू सॉल्व योर ओन मर्डर, तो ये जो है इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। इस फिल्म के बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो ये फिल्म जो है मंदिरा एंटरटेनमेंट और विवेक ओबरॉय मिलकर बनाने वाले हैं और इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है विशाल मिश्रा ने। और इस फिल्म में डेब्यू करेंगे सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन। जी हाँ, सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन। और इसकी जो है शूटिंग बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है, सितंबर अक्टूबर में, और अगले साल ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। दरअसल ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो अब जो गुजर चुकी है, जो मर चुकी है, लेकिन वो किस तरह से अपनी जो है मरने की गुत्थी खुद सुलझाती है। वो अपने मर्डर की गुत्थी को खुद सुलझा रही है। कुछ इस तरह की हू डन इट थ्रिलर है ये फिल्म और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। जिस तरह से विवेक ने इसको शेयर करते हुए लिखा है, उसके बाद से जैसे कि इसके पोस्टर पे ही लिखा है कैन यू सॉल्व योर ओन मर्डर, और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है चर्चा हो रही है कि अपने आप में ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इससे पहले जो है इस तरह की फिल्म को नहीं देखा गया। विवेक ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, एक्साइटेड टू अनाउंस आवर फर्स्ट फिल्म इति प्रोड्यूस बाय मंदिरा एंटरटेनमेंट एंड माय होम प्रोडक्शन ओबरॉय मेगा एंटरटेनमेंट, अ हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर डायरेक्टेड बाय द टैलेंटेड विशाल मिश्रा एंड टू गो ऑन द फ्लोर्स अक्टूबर 20। हार्टफेल्ट थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल यूर लव एंड सपोर्ट। और इसमें जो है सुष्मिता सेन के भाई इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं और ये फिल्म जो है अक्टूबर में शुरू हो जाएगी और अगले साल रिलीज के लिए तैयार है। विवेक जो है एक अभिनेता हैं और इस इंडस्ट्री में काफ़ी समय से हैं। ऐसे में अब जब वो प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें उनके इंस्टाग्राम पर बधाई दी है उनकी पहली फिल्म के लिए।